देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी लंपी वायरस लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। इस वायरस से प्रदेश में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त कदम न उठाने से नाराज पशुपालक किसानों ने आज शिमला में किसान सभा के बैनर तले पशुपालन विभाग के निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया और निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की है। हिमाचल प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस वायरस से अभी तक 39,000 से ज़्यादा पशु संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,313 पशुओं की मौत हुई है। वास्तविकता में ये आंकड़ा इससे ज़्यादा है। ये वायरस 9 जिलों में फैल चुका है, बावजूद इसके सरकार ने महामारी घोषित नहीं की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मंत्री ने कहा था कि इस वायरस से पशुओं के मरने पर 30,000 मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग के निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इस महामारी से निपटने के पर्याप्त इंतजाम करने के साथ मुआवजे की मांग की गई है। वहीं पशुपालकों ने बताया कि लंपी वायरस से लगातार उनके पशु मर रहे हैं, दूध का कारोबार करते हैं। इस बीमारी से पशु के मरने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। उनके पशुओं की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, ना ही विभाग और सरकार की तरफ से उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्हें स्वयं दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। विभाग उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाए और जो पशु हानि हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। हिमाचल किसान सभा जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। साफ तो तुमको रखना होगा, रखना होगा। इंद्र शर्मा है। कौन से गांव से है? बड़ा गांव से। गांव पंचायत। क्या कहना चाहेंगे जो बीमारी फैली है आजकल इसके बारे में? बीमारी फैली है मेरे तो हम क्या सभी की लगभग सबकी जो है डंगर इन्फेक्टेड है इससे बीमारी से, और बहुतों की जो है जान जा चुकी है। और सात आठ गायें तो हमारे गांव में भी होगी, बड़ा गांव में, बाकी रजाना पंचायत में भी काफ़ी है, और पट्टाघाटी और जाले के अंदर जितने भी गांव आते हैं उसमें काफ़ी गांव में जो है डंगर काफ़ी मर चुके हैं और इन्फेक्टेड तो लगभग काफ़ी ज़्यादा है। आपकी गाय? बस भी दो गाय जिनकी डेथ हुई, मतलब दोनों का 40-45 लीटर के लगभग दूध था, वो अब है नहीं। जो कंपनसेशन बोला है इन्होंने देने के लिए वो मिल जाता सभी को, किसानों को। बाकी जहाँ जहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, जो भी दे रहे हैं एंटीबायोटिक वगैरह, वो मिल जाए सभी को। खुद खरीदी दवाइयाँ? मैंने तो खुद खरीदी जी, खुद। मेरा नाम खेमचंद कश्यप, मैं घेणी पंचायत से हूँ, संतपुर ब्लॉक से। ये जो पशुओं की बीमारी आई है, ये असल में मेरे पास 7 पशु हैं और मेरे गाँव में, पूरे ही गाँव में ये बीमारी फैल चुकी है। हमें इस चीज़ का पता नहीं था, सुनते थे कि भाई कोई लंपिक रोग आया है, कोई चर्म रोग आया है, परंतु जब हमारे पास डॉक्टर की टीम आई है, वो आए थे कि भाई हमने इसके सुरक्षा का जो वैक्सीन लगाना है, जब उन्होंने लक्षण देखे हैं तो वो बीमारी आ चुकी थी। ये वायरल डिजीज़ है और मेरे गाँव में एक गाय की डेथ हो गई है, परंतु हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय में, जब डॉक्टर आए हैं तो उनके पास कोई दवाइयाँ नहीं थी, हमारे पास इसका कोई भी इलाज नहीं है, तो हमारे को बाजार से सारी दवाइयाँ खरीदनी पड़ी और महंगी दवाइयाँ थी, जो कि हम उस चीज़ को वहन नहीं कर सकते हैं। जब सरकार बैठी है, विभाग बैठा है, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ की कम, अगर वैक्सीन नहीं बनी है तो कोई प्रिकॉशन दे इसके लिए, ताकि उस चीज़ का नियंत्रण रहे। परंतु जिन पशुपालकों के पशुओं की डेथ हो गई, सरकार उनकी भरपाई करे, उनके लिए कोई ना कोई मुआवजे की व्यवस्था करे, और आने वाले टाइम में ये फिर ना हो, ये इसके लिए विभाग के पास, हमारे पास कहते कुछ नहीं है, उनके पास पानी तक नहीं है इसके लिए, वो सारा कुछ हमारे को कीमत से खरीदना पड़ा, तो हमारे लिए व्यवस्था करे, जब डिस्पेंसरियाँ खुली है हमारे लिए सारी दवाइयाँ मिले और प्रिकॉशन होती रहे और डोर टू डोर जो है जाँच होती रहे। आपको मालूम है कि आजकल हिमाचल प्रदेश में जो लंपी स्किन डिजीज है, जिसे हम शॉर्ट में LST कहते हैं, वो 22 जून से पिछले 2 महीने से ज़्यादा पूरे हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के अंदर इस समय फैल चुकी है, और जो कल तक रिपोर्ट आई है उसमें 39,005 जो पशु है वो संक्रमित हो चुके हैं, और उसमें से 1,313 पशु इस समय मर भी चुके हैं, जो एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट है। किसान सभा का मानना है कि जो संक्रमण है वो इससे कहीं और ज़्यादा है, और जो मौतें भी ज़्यादा है, जो अभी एट द डिफरेंट लेवल रिपोर्ट नहीं हुई है। आज हम ये पशुपालन निदेशालय में इसलिए आए हैं
कि इतनी बड़ी समस्या के बावजूद भी 9 जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है। भारतवर्ष के 9 राज्यों के अंदर भी इस समय इसका संक्रमण फैला है, मगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको अभी तक महामारी घोषित नहीं किया। और अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जिनका भी अगर किसी के पशु की मौत होती है तो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये 30,000 रुपये का कंपनसेशन दिया जाएगा। पर उसके बारे में जो पिछले कल तक की हमारे पास रिपोर्ट है उसमें कोई भी अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, इसकी कोई नोटिफिकेशंस नॉर्म्स तय नहीं हुए। सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी जो वैक्सीनेशन है वो इसमें विभाग का मानना है कि ये 3 लाख प्लस का इनका जो प्रपोजल है प्लान है, मगर उसके अंतर्गत अभी वैक्सीनेशन केवल 88,000 के करीब हुआ है और इसमें लोग बड़े भयभीत हैं जो पशुपालन के साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा, अभी जो इसमें सिम्प्टोमेटिक जो बीमारियां इसके साथ होती है, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग ये कैप्रोपॉक्स वायरस से ये बीमारी पशुओं के अंदर होती है, पर इसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं बनी, पर जो गोट पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल हो रहा है, मगर इसमें जो अन्य किस्म के जो लक्षण आते हैं उसे निपटने के लिए जो ये दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, इंजेक्शंस हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और उसका जो सीधा एक जो प्रभाव है वो उन पीड़ित परिवारों के ऊपर पड़ रहा है जिनके पशु बीमार हैं, पशु मर रहे हैं, जिनका दूध बंद हो चुका है या इस समय मार्केट के अंदर नहीं जा रहा है। इन समस्याओं के साथ साथ अभी तक सरकार ने इसमें पर्याप्त मात्रा में, जो हमने एक डायरेक्टर महोदय को कुछ दिन पहले यह सुझाव दिया था कि इसमें एडिशनल इसमें रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वेटरनरी फार्मासिस्ट की, डॉक्टर्स की, और इसमें अतिरिक्त दवाइयों का इंतजाम होना चाहिए, गाड़ियों का होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इन सब मुद्दों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री को डायरेक्टर महोदय के माध्यम से अभी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा।